Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नए टूर्नामेंट की वीडियो में। और आज मैं खेलने वाला हूँ एशिया के अंदर एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अपना, और ये मेरा तीसरा एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। जो पिछली वीडियो में मैंने खेला था वो 1v1 एशियन टूर्नामेंट था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई सिंचन का पूरी वो टूर्नामेंट यहाँ पर बना हुआ है जो मैंने खेला था, लेकिन भाई रिकॉर्ड हुआ नहीं बराबर से। ये आप लोग देख सकते हो भाई कितनी खराब हालत चल रही थी हमारी यहाँ पर, लेकिन भाई ये बहुत गलत बात हुई। मेरे को डालना था यार इसका वीडियो, डालना था मुझे, हार गए तो क्या भाई, वीडियो मुझे डालना था, लेकिन भाई कोई बात नहीं। यहाँ पर आज मैं खेलने वाला अपना एलिमिनेशन टूर्नी एशिया, तो भाई देखते हैं इसके अंदर आज मैं फेज 3 तक जा पाता हूँ कि नहीं इसके अंदर, देखते क्या होगा अभी आगे। और आ चुका यहाँ पर पहला राउंड, लेजर ट्रेसर आ गया है। तो भाई इसके अंदर अगर चार लोग एलिमिनेट होंगे तो भाई चार लोग क्वालिफाई करेंगे, ऐसी है भाई पिछली बार भी यही हो रहा था। तो देखते भाई इसके अंदर मैं क्वालिफाई कर पाता हूँ कि नहीं, बस मेरे को नहीं गिरना नहीं लेजर पर यार, मेरे को दूर भागो इन लोग से। ये लोग भाई जान, ये किक, अरे भाई किक भी मार सकते हैं, मैं भूल गया था, बस पंचर किक भी मार सकते हैं हम लोग। मुझे लग रहा था वही मैं सादा सुधा अपना खेल रहा हूँ बिना पंचर किक वाला, लेकिन भाई मार सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अच्छे से भाई मैं भी मारूंगा, लेकिन मेरे पास प्लेयर पिछल ही नहीं रहा यार, पिछल ही नहीं रहा मेरा प्लेयर। यहाँ पे दूर खड़े रहूंगा इन लोग से, गिर मत जाना भाई, गिर मत भाई, गिर मत, गिर मत, ऊपर आ रहे, ऊपर 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 ऊपर। मैं दूर भाग रही चक्कर में शायद गेम के बाहर ही गिरने वाला था एकदम मैं। और यहाँ पर पंच मार दिया, लेकिन टच भी नहीं हुआ किसी को भाई, टच तक नहीं हुआ, इतनी भीड़ में घुस के मारा था फिर भी मैंने। और यहाँ पर भी आराम से कूद कूद के खेल रहा हूँ भाई, ये देखो क्या बुरा बचा यार, वो टच होकर बचा एकदम, वो टच होकर बचा एकदम, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर मैं क्यों बड़ा गया यार, और आ चुका यहाँ पर वापस से लेजर ट्रेसर। तो भाई पिछले वाले मैच में मैं क्यों पता नहीं काई की जगह नहीं खड़ा हुआ यार, मैं फालतू में डायरेक्ट आगे से पहुँचने की कोशिश किया और गिर गया सीधा लेजर के ऊपर। एक राउंड ऐसे एलिमिनेट हो गया यार मेरा, बाकी के 3 राउंड क्वालिफाई करके कुछ मतलब नहीं है। हो सकता है अगर मैं आखिरी आखिरी राउंड है ना एकदम, जो चौथा राउंड है टूर्नामेंट का, उसको अगर टाइम पास करके खेलूँ ना थोड़ा, मतलब लेट चालू करके खेलूँगा, तब मेरा चांस रहेगा आगे पहुँचने का, क्वालिफाई करूँगा तो, नहीं तो भाई फिर चांस ही खत्म। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा हो कि अगर सेम पॉइंट रहेंगे तो जो प्लेयर सेम पॉइंट लेट निकालता है ना उसको आगे कर देता है, जो जल्दी निकाले रहता है उसको पीछे फेंक देता है, ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मैं देखा हूँ एक दो बार इसी। तो आज वही चीज़ ट्राई करूँगा अपना आखिरी मैच एकदम लेट खेलूँगा, ताकि मेरे को एकदम ऊपर कर दे जीतने के बाद। होएगा कि नहीं होएगा वो पता नहीं मुझे, लेकिन भाई देखना पड़ेगा करके। तो वैसे भी दूसरा राउंड दो लोग एलिमिनेट हुए यहाँ पर, और 3 लोग हो गए भाई, चौथा भी हो जाए यार, चौथा हो जाए, चौथा भी एलिमिनेट हो गया, चलो भाई ओपी ओपी ओपी। यहाँ पर 4 लोग एलिमिनेट हो गए भाई, दूसरा राउंड क्वालिफाई कर गया मैं, और बस 2 राउंड और बचे आगे के, देखते भाई मैं फेज 2 में जा पाता हूँ कि नहीं आगे भी। और आ चुका यहाँ पर हनी ड्रॉप, तो भाई गेम वाला शायद समझ गया कि उसको मेरे को नहीं भेजना आगे। ये एक ऐसा मैप है ना टूर्नामेंट के अंदर जिसके अंदर मैं बाहर हो जाता हूँ मेनली टूर्नामेंट में, हाँ ठीक है क्लासिक मैच आता तो मैं जीत जाता हूँ, लेकिन टूर्नामेंट के अंदर भाई जिसमें 4 या 5 लोग एलिमिनेट होने वाले रहते ना, कि मैं ही आया हूँ, अभी क्या गंदा करेगा भाई, क्या गंदा आरपार होकर पिछड़ गया वो, पता नहीं क्या कर रहा था वहाँ पे। और यहाँ पर ये लोग भाग रहे भाई पागल जैसे, मैं भी एकदम आराम आराम से खेलूंगा, एक टाइल यूज़ करूँगा, और गिर जा भाई गिर जा, चलो भाई गिर गया वहाँ पर वो, चलो भाई सुकून की थोड़ी टाइल तो यूज़ कर पाऊंगा। और सब लोग गिर गए क्या, अकेला बचा, हड्डी भी गिर गया एक नंबर, चलो भाई हड्डी भी गिर गया वहाँ पर, और सब लोग नीचे नीचे भागे जा रहे। तो यहाँ पर भाई कोने की पूरी एक एक टाइल यूज़ करूँगा यहाँ से ऊपर जा जाके, और भाई प्लीज़ 4 लोग गिर जाओ यार, 4 लोग गिर जाओ यार जल्दी से। और यहाँ पर कोने में भी 2 टाइल है भाई ऊपर, उसको भी यूज़ करेंगे अच्छे से। यहाँ पर रुको, पहले यहाँ पर अब नहीं चढ़ पाऊंगा ऐसा लग रहा है, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा भाई, पहुँच जाऊँगा, गिरना मत, गिरना मत यार, गिर जाऊँगा यार, और एलिमिनेट होने वाला मैं, एलिमिनेट हो जाऊँगा अभी। अरे बच गया, चलो यहाँ पर टाइल थी, यहाँ पर टाइल थी, बच गया मैं, मुझे लगा सीधा एलिमिनेट होऊंगा अभी मैं। और वहाँ पर अगर पिछले नहीं होता ना भाई, एकदम अच्छे से खेल रहा था ऊपर ही ऊपर, और ये प्लेयर आ रहा भागते हुए, पंचना मार दिया, अच्छी बात नहीं मारो। 4 लोग गिर गया, 4 लोग गिर गया भाई, 4 लोग गिर गए यहाँ पर, और मैं कर गया वापस से क्वालीफाई भाई, 3 राउंड में से 2 राउंड क्वालीफाई कर चुका, बस 1 राउंड बचा हुआ है, इसको लेट चालू करूँगा थोड़ा मैं, देखते क्या होता है फिर आगे। और आने वाला भाई अभी एक और मैप आने वाला है, तो भाई इस मैप को ना मैंने कितना 4 या 5 मिनट रुक के चालू करा अगले राउंड को अपने, और हनी ड्रॉप आया यहाँ पर, इसमें अगर मैं क्वालीफाई करा तो भाई मेरा चांस बन सकता है ऊपर आने का, और मुझे पक्की बात पता है नहीं है, क्योंकि ना भाई देखो 3 मैच क्वालीफाई करने वाले को ऊपर रखता है ये, लेकिन मेरे को हमेशा पीछे फेंकता है। और आज करना चाहिए भाई आज, मैं पता क्या बोलूँ भाई अभी, और पंच मार रहे भाई ये लोग, दूर भागना पड़ेगा लोग से, क्योंकि भाई कुछ भी करके क्वालीफाई करना है, कुछ भी करके क्वालीफाई करना है मुझे इसके अंदर। अगर इसके अंदर एलिमिनेट हुआ तो भाई पूरा एलिमिनेट हो जाऊंगा मैं, और ये भाई को पंच मार रही है लोग, जबकि एक का भी टच नहीं हो रहा भाई, पंच एक का भी पंच टच नहीं हो रहा है, बस मारे जा रहे इसी अंदर हवा में, पता नहीं क्यों वो भी। और यहाँ पर तो भागे जा रहे भाई, सब लोग भागे जा रहे हैं, वापस आ गया पंच मारने हड्डी वाला, और मन कर इसको पंच मार दो भाई, मुंह के सामने गोल गोल घूम रहा खड़े रह के बस, और गिर जा भाई, गिर जा यार, गिर जाना यार, कैसा भाग रहा भाई, बस कैसा भागे जा रहा है। और एक भी जन एलिमिनेट नहीं हुआ यार, एक भी जन एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक, क्यों हो जाओ ना भाई, 4 लोग इतना नीचे गिरे सबके साथ, और कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, क्या बात है। और एक जन गिरा अभी, एक जन अभी एलिमिनेट हुआ शायद, और मैं जाऊँगा, बच गया, चलो बच गया, बच गया, पीछे की तरफ भागूंगा यहाँ से, पीछे की तरफ भागूंगा यार, टाइल ही नहीं बची मेरे पास, और गिर गया वो, 2 लोग गिर गए, और 2 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं अभी तक का, 2 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, और उस तरफ जाऊंगा भाई, इस तरफ फिर वही गिर गया, बच गया बच गया बच गया बच गया, और 4 लोग बचे एलिमिनेट होने के लिए यार, हो जाओ ना 4 लोग एलिमिनेट, और 2 लोग गिर जाना चाहिए पीछे, किक मार दूंगा हवा में, और 4 लोग हो गए भाई, 4 लोग एलिमिनेट हो गए। और अभी जाकर मुझे रैंकिंग देखना है कि मुझे कितने नंबर पर खड़ा करा है इसने, भाई प्लीज़ यार क्वालीफाई करा देना यार, प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़ क्वालीफाई करा देना। तो गाइस यहाँ पर मेरी रैंकिंग दिखा रही 72 से 79 पर मेरे को रखा है इसने अभी,
और अभी भी 13 मिनट बाकी है टूर्नामेंट खत्म होने के लिए, मतलब पहला फेज खत्म होने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना थोड़ा 10-12 मिनट रुक के देखता हूँ कि भाई मेरे को ऊपर लेता है कि नहीं। वैसे चांस तो है मुझे कि ऊपर ले लेगा, इतने सारे लोग देखो यहाँ पर 3-3 पॉइंट लेकर बैठे हुए, तो भाई मुझे ले सकता है ऊपर, और नहीं भी लेगा तो क्या कर सकते हैं अभी। तो भाई मिलता हूँ मैं 12 मिनट बाद आप लोगों को यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुका और मुझे रखा है 20 से लेकर 43 पोजीशन पर रखा मुझे यहाँ पर। अंदर जाकर देखता हूँ भाई मैं कितने नंबर पे हूँ। भाई 40 के अंदर रखना है, बस 40 के अंदर रखेगा मैं खुश हो जाऊंगा। और 36 नंबर पर रखा भाई, 36 पोजीशन पर रखा है मेरे को। देखो भाई मेरी टेक्निक काम कर गई यार, 1 नंबर। चलो भाई और यहाँ पर चलो भाई अब देखते हैं फेज टू में मैं खेल, फेज टू अच्छा खेलना भाई मुझे, फेज टू अच्छा खेलना, कैसे भी करके क्वालिफाई करना फेज थ्री के लिए यहाँ पर अभी। और ये आ चुका है पहला राउंड बॉम्बार्डमेंट के अंदर दे दिया इसने भाई पहले राउंड भी। तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं क्वालिफाई करता हूँ, हो सकता है कि मैं एलिमिनेट भी हो जाऊँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन मेरे को अच्छे से खेलना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके मेरे को क्वालिफाई करना, बस दूर भागूंगा इन लोग से, क्योंकि मैं जितना बीच में रहूँगा उतना पंच मारेंगे वो लोग बीच में खड़े रहूँगा तो। और यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है कि मेरे को पंच ना लग जाए लोग का, और ये पंच मार रहा है कि चलो ये पंच नहीं मार रहा, अच्छी बात, चलो ये पंच नहीं मार रहा है, मैं भी नहीं मार रहा भाई इसको, चलो इसको मार देता है यार। हट गया यार, सामने से हट गया वो, कितना लेट पंच के बटन था बताया भाई गेम के अंदर ये। और एशिया में ना मेरे साथ होता है कभी कभी कि मैं किक दबाऊंगा तो भाई दबने की तीर का बात मारेगा किक, देखो पंच मारना रहता पीछे ये, और मार नहीं रहा भाई, मार नहीं रहा, पता नहीं कहीं के लिए हंसता मुंडा दिखा रहा भाई। क्या गंदी किक मारा उसने, क्या गंदी किक मारा वहाँ पर, किक मार के सीधा गिर गया पानी के अंदर। और रिप्लेयर अच्छे से खेलने की कोशिश कर रहा था और पंच मार दिया उसको भाई, मेरे को चर्बी मच रही थी बहुत, सही बता रहा हूँ एकदम। लोधो ने भी पंच मार दिया दूसरे को, और यहाँ पर बस एक प्लेयर एलिमिनेट होगा भाई, हम लोग क्वालीफाई कर जाएंगे। चलो भाई हो गया, होगा भाई क्वालीफाई कर गया पहले राउंड के अंदर, बस 3 राउंड और क्वालीफाई करना मुझे किसी भी करके भाई सेकंड थर्ड फेज में आने के लिए, देखते क्या होता है। लेकिन आगे अभी और आ चुका है यहाँ पर ब्लॉक डैश आ गया है सेकंड राउंड के अंदर, तो भाई इसके अंदर क्वालीफाई हो सकता हूँ मैं, देखते क्या होगा। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान से खेलना है मुझे, बस पंच और किक ना मार दिए लोग लेजर में, लेकिन ना घुस जाए गली मिलकर। दूर रहूँगा भाई, दूर रहूँगा सीधी से बात, एकदम दूर खड़े रहूँगा लोग से मैं, ताकि मुझे फायदा रहे अच्छा एकदम। देखो किक मार रहा और पंच कर रहे हैं वहाँ पर भाई, दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर। वैसे भी इधर तो लेजर तो आ नहीं रहेगी भाई, बचना पड़ेगा लेजर से या बॉम्ब से बचना पड़ेगा, पानी में गिरने से बचना पड़ेगा, फिर भी भाई जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा अपने लिए। और यहाँ पर मैंने भी उसको किक मार दिया जानबूझ के, क्यों भाई मेरा मन कर रहा भाई, मेरा मन सीधी से बात है, मेरा सब मार रहे भाई, मेरा भी मन कर रहा मारने का, मैं भी मार दिया इसलिए। यहाँ पर अभी दूर भागूंगा, देखो मेरे को किक मारना रहा था भाई वहाँ से, वो रुको मारता अभी रुको यार, उसको लगे अच्छी बात है उसको पड़ गया, और भाई मेरे को किक मार दिया था इसने। और अभी तक एक भी जन एलिमिनेट नहीं हुआ भाई, अभी तक एक भी जन यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हुआ है, और मेरे को लग रहा है सबसे पहले मैं जाऊँगा ऐसा लग रहा है मुझे। अगर यहाँ पर मैं एलिमिनेट हुआ ना भाई, फिर मैं अपने अगला मैच है ना 5-10 मिनट रुक के चालू करूँगा, और फिर भी दोनों में होना पड़ेगा क्वालीफाई मुझे। लेकिन भाई सब सही चल रहा है अभी तक का। तो यहाँ पर देखो वो लोग आ रहे आराम से कूद के पीछे हटूंगा, और भाई क्या किक मार रही है लोग, क्या किक मार रही है। और एक भी जन एलिमिनेट हुआ भाई अभी तक, एक भी जन मैं जा रहा हूँ, भजगा भजगा चलो भजगा भजगा भजगा, मुझे लगा कांटे में टकरा जाऊँगा, दूर रहो भाई दूर रहो, यहाँ पर एक ना एक जन तो होगा अभी यहाँ पर एलिमिनेट। जब ऐसे ब्लॉक आते ना भाई एक ना एक जन तो निपट जाता है ऐसे में, लेकिन अभी तक एक जन, चलो एक जन के एक जन एलिमिनेट हुआ यहाँ पर। भाई चढ़ जाना ऊपर, चढ़ जाना प्लीज़ प्लीज़। अरे यार गिर गया मैं, गिर गया यार बहुत गंदा गिरा, ऊपर आना पड़ेगा भाई मुझे कैसे भी करके, पिछड़ के कूदूंगा थोड़ा, पिछड़ के कूदूंगा। और कितना, 2 लोग गिर गया, यस भाई 2 लोग गिर गए मेरे से पहले, 4 लोग यहाँ पर एलिमिनेट हो गए और मैं कर गया क्वालीफाई, यस भाई यस। बस 2 राउंड और क्वालीफाई करना है यार मुझे, बस 2 राउंड और क्वालीफाई करना है अभी। और आ चुका यहाँ पर भी लेजर ट्रेसर आ गया है, तो भाई इसके अंदर ही मुझे क्वालीफाई करना पड़ेगा कैसे भी करके। अगर एलिमिनेट हुआ तो भाई खत्म, फिर खत्म एलिमिनेट हुआ तो फिर अपना आखिरी मैच मुझे वही 5-10 मिनट रुक के चालू करना पड़ेगा, वैसे करूँगा तो ही फायदा होगा, नहीं तो भाई नहीं होगा कुछ भी। यहाँ पर दूर रहूँगा भाई लोग से, और मैं बाउंड्री पे इसलिए भाग रहा हूँ ताकि जो किक मारे ना अगर सीधा वो जहर की खाई में गिरे सीधा, तो मेरी किक तो लगी नहीं भाई, दूर भागो भाई, सब लोग किक मार रहे हैं इसके अंदर, किक क्यों मार रहे भाई, सब लोग पंच मारो ना यार, मैं भी पंच किक ही मार रहा हूँ फालतू में, पता नहीं कहीं के लिए पंच मारेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, किक मारेंगे तो एलिमिनेट हो जाऊँगा भाई मैं। यहाँ पर आराम से देखो भाई अभी तक एक ही जन एलिमिनेट हुआ, अभी तक लोग इतनी पंच पंच मार रहे, फिर भी मैं तो दूर भाग रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं रहना है लोग के साथ। और ये वो किक मार दिया फिर बच गया, लेकिन यहाँ पर आराम से खेलना भाई, दूर रहूँगा लोग से। और ये क्या भाई 1 नंबर, चलो 2 लोग एलिमिनेट हो गए, बस 2 ही लोग बचे एलिमिनेट होने के लिए भाई, अब लेजर पे टच नहीं होना मुझे, 3 लोग हो गए भाई, 3 लोग हो गए। चलो भाई एक ही जन बचा एलिमिनेट होने के लिए भाई, हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। चलो भाई 4 लोग यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, बस आखिरी राउंड मुझे क्वालीफाई करना है, 1 राउंड बस मुझे क्वालीफाई करना है अभी। और आ चुका है यहाँ पर वापस से ब्लॉक डैश आ गया है, तो भाई पिछली बार जैसे चमत्कार हुआ था मेरे साथ, मैं जीत गया था, वैसे इस बार भी होना चाहिए यार, मेरे को क्वालीफाई करना भाई कैसे भी करके क्वालीफाई करना है मुझे इसके अंदर। और दूर भागूंगा पिछले राउंड की तरह, आराम से खेलेंगे भाई दूर भाग के। चलो भाई बीच में आ गए, वैसे भी इसमें किक और पंच पड़ता है कोई फर्क पड़ता है नहीं, बस तुम ना हक दो अचानक में आकर गलत जगह पंच और गया है तो किक मार दे इसे लेजर में घुस जाएंगे जाकर, तो इसलिए भाई दूर भागो लोग से थोड़ा पहले। चलो कोने का हिस्सा आ गया, तोड़ के निकलेंगे आगे, कोई टेंशन की बात नहीं, लोग पंच और किक मारने दो ये लोग को। और एक भी जन एलिमिनेट हुआ अभी तक का, इसके स्टार्टिंग में इतने नल्ले ब्लॉक आते ना भाई, कोई एलिमिनेट होता ही नहीं इसके अंदर, कांटे वाले आते तो मजा आती खेलने फिर। तो यहाँ पर आ रहे भाई, ऐसा लग रहा है कांटे वाले ब्लॉक आने वाले, ऐसे कांटे वाले ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन आना चाहिए भाई यार, दे दे अब तो दे दे यार, सिंपल सिंपल ब्लॉक दिया जा रहा बस।
और दिया इसने भाई टकराना मत, अरे मैं जाऊंगा भाई, मैं एलिमिनेट हूं, बच गया वहां पर पंच नहीं मार लगा उसका मुझे, यहाँ पर भाई बच के खेलूंगा एकदम। मैं ही लड़ना रहता भाई कांटे वाले ब्लॉक से, मैं ही निकलने वाला था। दो लोग एलिमिनेट हो गए, दो लोग बचे एलिमिनेट होने के लिए, और ये दोनों जाएंगे ऐसा लग रहा मुझे, ये दोनों जाएंगे यहाँ पर। यस भाई क्वालिफाई कर जाऊंगा अगर वो दो लोग, अरे आ गए यार ऊपर आ गए शैतान लोग भाई, पंच मार दिया उसने आकर वहाँ पे, मेरे को लग रहा था गिर जाएंगे लेकिन भाई ऊपर आ गए वो लोग, और यहाँ पर आराम से खेलना पड़ेगा भाई, प्लीज काटे वो मत टकराना। चलो बच गया। यहाँ पर अभी कोने में किक मार के जाना पड़ेगा मुझे, चलो यार किक नहीं मारा अच्छी बात, जंप मार के यहाँ पर किक मारनी पड़ेगी। अरे मैं एलिमिनेट होने वाला हूँ भाई, बचाऊंगा चलो भाई बचाऊंगा। और ये कोई ये किचन बचा बस एलिमिनेट होने के लिए, किचन बचा यहाँ पर। यार बे यार दीवारी नहीं खाली रखा इसने यार, दीवारी नहीं तोड़ने दिया यार, ये कुत्ते ने कैसे ब्लॉक दिया यार, कैसे ब्लॉक दिया, ऐसा लगता गेम वाला चाहते नहीं मैं जाऊँ तो फेज थ्री के अंदर, मुझे पता होता ना ऐसा कुछ होने वाला भाई, मैं खेलता नहीं आ रहा हूँ, 5-10 मिनट रुक के चालू करता यार भाग यार। और अभी रैंकिंग दिखा रही भाई मुझे तो एकदम पीछे फेंका रहेगा, 52 नंबर पर रखा भाई उसने, 52 नंबर पर रखा है मुझे इसने यहाँ पर। और क्या करने का भाई, क्या बोलने का यार, देखो इतने सारे लोग के 3 पॉइंट से लोगों पर रखा, मेरे को 52 नंबर पर फेंका सीधे, मतलब क्या बोलूँ यार। तो भाई यहाँ पे ये टूर्नामेंट खत्म होता है यहाँ पर, तो आज के लिए बस इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं बोलूँगा मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और भाई 65 नंबर पर रखा इसने, 52 पे भी 65 पे रखा यार।